इस वीडियो में हम समझेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेलिस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है टेलिस्कोप की मदद से हम प्लैनेट्स, स्टार्स और स्पेस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं आइए टेलीस्कोप की वर्किंग डिटेल में समझते हैं टेलीस्कोप की वर्किंग डिटेल में समझने के लिए पहले हमें इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में समझना होगा टेलीस्कोप के बेसिक कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और प्राइमरी मिरर लाइट को गैदर और फोकस करने वाला प्राइमरी ऑप्टिकल कंपोनेंट होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कर्व्ड ग्लास का टुकड़ा होता है जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर होता है। आईपीस आईपीस एक छोटा लेंस और लेंस का ग्रुप होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस और प्राइमरी मिरर द्वारा बनाए गए इमेज को मैग्निफाई करता है ये वो पार्ट होता है जिसके थ्रू मैग्निफाई इमेज को देखते हैं फोकसर फोकसर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो आपके आईपीस की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए अलाउ करता है जिससे आप डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं माउंट माउंट सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जो टेलेस्कोप को एक जगह होल्ड करता है ट्राईपोड और माउंट बेस ट्राईपोड और माउंट बेस माउंट को स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और टेलेस्कोप की पोजीशन को स्टेबल रखते हैं ऑप्टिकल ट्यूब ऑप्टिकल ट्यूब टेलीस्कोप के मिरर्स और लेंसेज को होल्ड करते हैं इन मिरर और लेंसेज का मेन फंक्शन डे और नाइट टाइम दूर ऑब्जेक्ट से लाइट गैदर करने और देखने वालों के लिए क्लियर इमेज बनाना है फाइंडर स्कोप फाइंडर स्कोप का यूज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जानने के लिए टेलीस्कोप ट्यूब में किया जाता है फाइंडर स्कोप का यूज डायरेक्शन को एडजस्ट करने के बाद हमें टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है स्टार स्टार से आने वाली लाइट को एडजस्ट करके हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप जिन्हें रिफ्लैक्टर्स भी कहते हैं इस टाइप के टेलीस्कोप में लाइट को बेंड और फोकस करने के लिए का यूज किया जाता है। इनमें फ्रंट ऑब्जेक्टिव लेंस और बैक आईपीस लेंस होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लाइट को गैदर और फोकस करने के लिए लेंसेज की जगह मिरर्स का यूज करते हैं सबसे कॉमन डिजाइन न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर है जिसमें टेलीस्कोप के नीचे प्राइमरी कंकेव मिरर होता है और रिफ्लेक्टिंग लाइट को देखने के लिए एक सेकेंडरी मिरर होता है वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो लेंसेज से मिलकर बनता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और डायमीटर आईपीज से बड़ा होता है ताकि दूर से आने वाली लाइट रेस को फोकस कर सके इस टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरल रेस को ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉल कराया जाता है, जिसके बाद लाइट रे एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश पे बनाती है इस इमेज को देखने के लिए आईपीस को ए डैश बी डैश पे एडजस्ट किया जाता है ऐसा करने पर एक हाईली मैग्निफाइड इमेज इन्फिनिटी पे बनती है थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल